कुरुक्षेत्र में रोटी क्लब लाडवा रोड पर एक भवन का निर्माण करने जा रहा है, जिससे इस भवन में गांव देहात की गरीब कन्याओं के लिए सलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर आदि खोले जाएंगे। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विधायक सुभाष सुधा तथा उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी। तो आज हम 7 स्कूलों के अंदर बेंचेस दे रहे हैं, स्कूल डेस्क दे रहे हैं और साथ में सैनिटरी वेंडिंग मशीन दे रहे हैं गर्ल्स की। जी, तो इसके अलावा आप रोटरी द्वारा कोई भवन भी बना रहे हैं? हाँ जी, कहाँ पर? हम लोग रोटरी भवन बना रहे हैं लाडवा रोड पे, वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोग सिलाई केंद्र और कंप्यूटर सेंटर और इस तरीके के 2-3 चीज़ें और हम उसमें ऐड करेंगे, ताकि जो आसपास के गांव हैं वहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ हैं, स्पेशली ये वेमेन ओरिएंटेड हमारा प्रोजेक्ट रहेगा और उनके लिए हम इसको इस भवन को तैयार कर रहे हैं और हम इसमें सेंटर्स खोलना चाहते हैं। मिक्स्ड है ये, इसमें सरकारी भी हैं प्राइवेट भी हैं, ज़्यादातर हमारा ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है। गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, पहले भी ऐसे आपने दिए? पहले भी किया हमने, जब जितेंद्र जी मेरे हस्बैंड गवर्नर रहे हैं तब भी हमने बेंचेस दिए और सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स हमने 100 के करीब हमने तब सैनिटरी वेंडिंग मशीन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट पूरे हमारे 3080 जो डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र रोटरी का, उसके अंदर हमने दिया। मैं रोटरी क्लब के गवर्नर जितेंद्र भीमरा जी का और ऋतु रोटरी क्लब की दुनिया ऋतु भीमरा जी का और समस्त रोटरी क्लब के सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी सोच विजन है उनका। रोटरी समय समय पर बहुत अच्छे कार्य करती है, ब्लड कैंप के लिए कहीं पर आ जाए, क्योंकि पौधा लगाना हो कि कहीं भी, रोटरी हमेशा अग्रसर रही है। आज भी रोटरी ने, मैं कहूँगा, 9 स्कूलों के लिए बेंच दिए हैं, साथ में स्टडी पैड मशीन भी भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छी है रोटरी। रोटरी पूरे वर्ल्ड के अंदर अच्छा काम कर रही है और खास तौर पे रोटरी जो क्षेत्र में मैं कार्य कर रही है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। रोटरी के प्रेसिडेंट ऋतु धीमरा जी का, गवर्नर जितेंद्र धीमरा जी का, दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में अजय मदान जी जो हमारे एज प्रेजेंट गवर्नर हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो अभी बताया उसके अलावा हम एक सेक्टर 13 में गवर्नमेंट स्कूल है, उसके अंदर कोशिश कर रहे हैं एक हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट होता है। हैप्पी स्कूल के अंदर हम कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अंदर सुधार है शिक्षा का, वो प्लस टॉयलेट रेनोवेशन प्लस कंप्यूटर को रेनोवेट करके सब कुछ देंगे और उनको वो एक तैयार करके देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे वो ज़्यादा सुविधाएँ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा हम क्षेत्र के लिए एक विद द हेल्प ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अजय मदान जी एक हार्समैन लेके आ रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ हार्समैन हैं 2-3, लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा है, गलियों मूर्ति नहीं है। हम एक छोटी हार्स है टाटा 407 प्लस 2 रेफ्रिजरेटर।